वो हमने आपसे डिस्कस किया है एंगल, ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक हमने यूज किया है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। फिर हमने डिस्कस किया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियो आर पॉजिटिव, इन सेकंड साइन इज पॉजिटिव, इन थर्ड टैन इज पॉजिटिव, इन फोर्थ कॉस इज पॉजिटिव। फिर हमने आपसे डिस्कस किया है कि जो हमारे रेशोज होते हैं प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, इनके लिए क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉस एक्सैक्ट कॉट। बस अभी तक हमने ये डिस्कस किया। किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो बताओ। हमने रेडियन में नहीं किया ना, कर लिया था बच्चे पहली क्लास रेडियन ही थी। नहीं सर, रेडियन में डिग्री चेंज करना क्यों? मतलब सर जैसे साइन 180 प्लस थीटा है, साइन 5 पाई बाय 2 प्लस एक्स ऐसे करके। मर्जी है आपके, इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो आपकी मर्जी है सर। 180 को अगर मैं पाई प्लस थीटा लिख दूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? रूल तो साइन 180 प्लस थीटा का ही लगेगा ना बेटे। क्वाड्रेंट कौन सा है उससे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है जी, ओके सर। रूल तो बेटे वही रहेंगे ना, 180 को 180 लिखो या पाई लिखो तो रूल नहीं चेंज हुआ, रूल तो सेम है। अब जरा ध्यान से देखो आप सब बच्चे, एक तो रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा। बताओ बताओ मुझे जरा, टेन 300 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताओ, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। टेन 300 डिग्री क्या होता है? हाँ भाई, नहीं नॉट डिफाइंड। 360 माइनस 60 कहाँ से? सर माइनस रूट थ्री। कहाँ से नॉट डिफाइन आ गया बेटा? सर माइनस रूट थ्री। 270 प्लस 30 कर सकते हो, 360 माइनस 60 कर सकते हो। अब आपको हमने कहा था कि आपको अपने आप से पूछना है कि रेशो 360 माइनस थीटा में चेंज होता है या नहीं होता। हाँ भाई, नहीं होता, नहीं होता, तो टेन ही रहेगा। अच्छा, अगर टेन रहेगा तो ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है 360 माइनस थीटा? फोर्थ होता है। फोर्थ में टेन क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? ये आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे पास, हमने कहा था जो कॉम्बिनेशंस बन के वैल्यूज आती हैं उसको हम निकाल सकते हैं। कॉम्बिनेशन किसका? प्लस माइनस हमने कहा था, 90 प्लस माइनस कहा था, 180 प्लस माइनस कहा था, 270 प्लस माइनस कहा था और 360 प्लस माइनस कहा था। किसके साथ? 0 के साथ, 30 के साथ, 45 के साथ, 60 के साथ और 90 के साथ। तो एक एंगल हम इधर से ले लें और एक एंगल हम इधर से ले लें, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इनके रिलेशन बन से उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं सर, हमें ये बताओ आप कि भाई मैं चाहता हूँ मुझे टेन 15 की वैल्यू बताओ, मुझे टेन 75 की वैल्यू बताओ, मुझे टेन 105 की वैल्यू बताओ। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 10 15, 10 75, 10 105 एक लेफ्ट और राइट के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकते। तो फिर हमारे पास जरूरत हुई कि इस तरह के हमें वैल्यूज कैसे हम निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है एक तरह से। ये तो बेस था, फाउंडेशन। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं, ये बेसिक फार्मूला है, ध्यान रखना।
sum of or difference of two angles. So sine a plus b. डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत है. फॉर्मूले बहुत सारे हैं, याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ लॉजिक ऐसा बताएं जिससे कि आपके जहन में रहें, आप याद कर सको आराम से. तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन. और फॉर्मूले बहुत सारे, 30-40 फार्मूलाज हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम चार फॉर्मूले बेस में रखें और उसी से हम सारे फॉर्मूले याद रखने की कोशिश करें. और हमारे पास क्या होता है? साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन एंड कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन एंड कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन. ये मैं कोशिश. तो दीज आर फोर बेसिक फॉर्मूले. अब सारे फॉर्मूले इन्हीं से ड्राइव करेंगे. अब जरा इन्हीं को समझ लेते हैं कि ये क्या हो रहा है. ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं कि हमारे पास है साइन ए प्लस बी, तो साइन के लिए हम प्लस कर रहे हैं. तो हो क्या रहा है, हमारे पास पहले साइन आ रहा है, फिर कॉस आ रहा है, फिर उसमें उल्टा हो रहा है, पहले कॉस आ रहा है फिर साइन आ रहा है. तो साइन कॉस, कॉस साइन, पहले ए के लिए साइन फिर बी के लिए कॉस, देन ए के लिए कॉस बी के लिए साइन, पहली चीज. दूसरी चीज क्या हो रही है साइन में, अगर आप देखोगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है. तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है. सेम का मतलब पहले फॉर्मूले ही करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन अपने आप आते हैं. साइन ए प्लस माइनस बी, हम क्या कह रहे हैं, पहला साइन दूसरा कॉस, पहला कॉस दूसरा साइन, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस, दैट्स इट. तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस है. लेकिन अगर हम बात कॉस की करते हैं, कॉस ए प्लस बी, तो पहले दोनों कॉस हैं, कॉस ए कॉस बी, और फिर दोनों साइन है, साइन ए साइन बी. और उसमें भी सबसे बड़ा फर्क जो है वो ये है कि प्लस के साथ माइनस आता है और माइनस के साथ प्लस आता है. ये फर्क है साइन के फॉर्मूले में और कॉस के फॉर्मूले. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा कॉस ए प्लस बी. तो पहले दोनों कॉस, फिर दोनों साइन. और हमने क्या कहा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा, और अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा. फिर दोबारा से देखो, सब बच्चे जरा ध्यान से सुन लो. हाँ भाई, जाग रहे क्या सब? यस सर. यस सर. सब जाग रहे हैं, सुनो. साइन जो है वो अच्छा आदमी है. कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, पता है आपको. तो साइन जो है वो हेल्पफुल है. कैसा हेल्पफुल है? कि भाई जो मुझे मिला है वो दूसरे को भी मिले, डिस्ट्रीब्यूट करता है. साइन के साथ क्या है, साइन आएगा फिर कॉस आएगा, तो तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, है ना जी, ऐसा आओ बैठ के दोनों, तुम्हारा भी हिस्सा मेरा भी हिस्सा. तो साइन कॉस, कॉस साइन, और प्लस के साथ प्लस. अच्छे लोगों के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, माइनस के साथ माइनस. तुम भी खाओ साइन ए कॉस भी, तुम्हारे साथ भी मेरे साथ. लेकिन कॉस जो है वो गंदा आदमी है. पहले मुझे मिलना चाहिए कॉस को, कॉस ही आएगा, दोनों कॉस, बाद में साइन आएगा. पहले मेरा भला हो, बाद में तुम्हारा सोचूंगा. दूसरी बात, अच्छे के साथ बुरा, प्लस के साथ माइनस, और माइनस के साथ प्लस. अच्छे के साथ बुरा, जो भला सा आदमी है उसके तो कान पे मार के चले, और जो उससे भी बड़ा भाई मिल जाए, सलाम करे भाई, सलाम अलैकुम, बताओ, उससे बड़ा बॉस है, वो स्कूल में होता है ना शरीफ से बच्चे को, तो हम लड़के चल रहे हैं,
और बाहर से बड़ा दादा मिल गया तो उसे भाईजान सलाम में पानी पिलाऊं आपको, बुरे के साथ अच्छे बनते फिर रहे, तो वो वाली कहानी। तो इन चार बेसिक फॉर्मूले को फिर याद करो, साइन ए प्लस बी, क्योंकि फॉर्मूला ही याद करना है बस, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा, करना ही नहीं है क्वेश्चन। तो साइन ए प्लस बी का मतलब यह तो याद ध्यान रख लो कि प्लस के साथ तो प्लस ही आना। दूसरी बात, पहला साइन होगा, दूसरा कॉस होगा, फिर पहले कॉस होगा फिर साइन होगा। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत या नहीं? Yes, पहले yes, और बी फॉर्मूला ही करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, इतनी सी बात। अच्छा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस रख देते, खत्म हो गई कहानी। देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपल सा। मैं आपसे कहता हूँ साइन 75 की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है, 75 को तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें 75 को ऐसे देखना है, क्या 75 को हम ऐसे दो एंगल में ब्रेक कर सकते हैं जिनको हम जानते हों, जिनको हम जानते हैं। तो हम जानते हैं 45 प्लस 30, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कौन सा हो गया, साइन ए प्लस बी। तो प्लस के लिए तो प्लस आएगा पहली बात, दूसरी बात ये साइन है, अच्छा आदमी है, तो भाई तुम भी खाओ हम भी खाएं, तो साइन को भी देगा कॉस को भी देगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा पहला साइन, दूसरा कॉस, और बीच में क्योंकि प्लस है तो प्लस के लिए प्लस, फिर पहला कॉस दूसरा साइन। सब बच्चे बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अब साइन 45 की वैल्यू बता दो, कॉस 30 की वैल्यू बता दो, कॉस 45 की वैल्यू बता दो, साइन 30 की वैल्यू बता दो, तो 2√2 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √3 + 1, तो सर यही आंसर है बस, बताओ। सर रैशनलाइज नहीं करना? हाँ, इतना हमारे पास टाइम, जरूरत नहीं है सर। जो हमने ये फोर बेसिक फॉर्मूला लिए हैं, बस इन्हीं को ध्यान रखना है, पूरा आपका ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं पे बेस्ड है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका यही था, ये देखिए फर्स्ट फोर तो मैंने आपको बता दिए थे कैसे प्रूव करने थे थर्ड एक्सरसाइज में से, ये हमारा क्वेश्चन था। तो साइन 75 हो गया सर? हाँ भाई। यस सर। साइन 75 समझ में आ गया, तो ये था साइन। कॉस को देख लेते हैं एक बार कि सर कॉस क्या है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस जो है ना सर, वो अपना सेल्फिश आदमी है, पहले भाई मैं खाऊंगा बाद में तुम्हें मिलेगा, तो चलो भाई पहले दोनों कॉस और बाद में तुम्हें मिलेगा, वो भी गंदा करके दूंगा, तो प्लस के साथ माइनस। और अगर माइनस है तो उसके साथ, अगर इधर माइनस है तो फिर इधर प्लस, ठीक है। अब सब बच्चे जरा मुझे बताओ, मैं आपसे कह रहा हूँ कॉस 15 की वैल्यू बताओ, सब बच्चे 15 को ऐसे एंगल्स में ब्रेक करो जिनको आप जानते हो, प्लस करके या माइनस करके। मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, हेल्प का मतलब आप बेटे कर सकते हो 60 माइनस 45, या जो बच्चे ने कहा हमारे माशाल्लाह से 45 माइनस 30, जिनको आप जानते हो, दोनों से वैल्यू सेम आनी है, वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी। तो जल्दी से एक करो, जल्दी से फटाफट, जब सब बच्चे आंसर बताओ क्या है। Yeah.
ठीक है बेटे, मान लो हमने लिया cos 60 माइनस 45, तो cos 60 माइनस 45 पहले दोनों cos, माइनस है तो प्लस आएगा, फिर दोनों साइन। cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, cos 45 क्या होता है 1/√2 होता है, sin 60 क्या होता है √3/2 होता है, और sin 45 क्या होता है 1/√2। तो अगेन LCM तो सेम आया 1+√। ऊपर हमारा आंसर क्या आया ना सर, √3+1 सेम आया था? नहीं सर, मुझे बताओ कौन बच्चा बताएगा, देखो आप में से कौन बच्चा मैथमेटिशियन। हमने निकाला है साइन 75 और हमने निकाला है कॉस 15 और दोनों की वैल्यू सेम आई है, कौन बताएगा क्यों सेम आई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिनका भी सम बेटे 90 होता है उनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है, साइन और कॉस में, टेन और कॉट में, कॉसक और सेक में, तो जिनमें भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनका सम। चलो शाबाश, आओ जी। तो ये हमारे बेस हैं, बिल्कुल बेस। आओ अब एक क्वेश्चन भी सीखते हैं और फॉर्मूला भी सीखते हैं। हम आपसे क्या कह रहे हैं, tan a plus b बताओ। तो ये आपका प्रूव वाला क्वेश्चन भी हो सकता है और ये आपका फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। आओ आप ट्रिग्नोमेट्री सीखो, वो चार बेस फॉर्मूले हैं, 1, 2, 3, 4 उन्हें कंसिडर करेंगे। हम कह रहे हैं tan a plus b बताओ, देखो सीखो ट्रिग्नोमेट्री। tan को मैं लिख रहा हूं साइन बाई कॉस। अभी इस पे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको प्रूव करने के लिए, लिख सकते हैं भाई tan को sin by cos? यस सर, यस सर। अब बताओ sin क्या होगा, सब बच्चे दिमाग में सोचो जल्दी जल्दी, sin क्या होगा, अच्छा है बुरा है, डिस्ट्रीब्यूट होता है नहीं होता है, अच्छे के साथ अच्छा रहता है या बुरे के साथ बुरा रहता है, कैसे रहता है, ये सोचो जल्दी जल्दी दिमाग में। अच्छा रहता है, तो sin अच्छा रहता है, प्लस के साथ प्लस आएगा, cos बुरा रहता है, प्लस के साथ माइनस आएगा। साइन डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहले साइन फिर कॉस, पहले कॉस फिर साइन अपॉन कॉस में पहले दोनों कॉस चाहिए, अल्लाह जान हो गई, साइन चाहिए दोनों। चलो यहाँ तक तो पहुंच गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इन सबको टेन में चेंज करना है, तो अगर इन सबको मुझे टेन में चेंज करना है तो साइन अपॉन कॉस होना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ डिवाइडिंग बाई कॉस ए कॉस बी टू न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बोथ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। देखो क्या होगा, सब बच्चे देखो एकदम से फॉर्मूला आएगा। पहला टर्म हमारा क्या है, साइन ए कॉस बी, और हमने इसे डिवाइड कर दिया कॉस ए कॉस बी से। दूसरा टर्म हमारा क्या है, कॉस ए साइन बी, और इसे भी हमने डिवाइड कर दिया किससे, कॉस ए कॉस बी से। फिर हमारे पास क्या है, कॉस ए कॉस बी, और इसको भी किससे डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी से। सीधा आंसर आएगा बेटे माइनस साइन ए साइन बी, और इसे भी किससे डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी से, ठीक है जी। अब जरा देखो क्या क्या हो सकता है, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b।
tan a tan b ये बचा। अब आप इसमें भी ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों जगह साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, tan a माइनस b हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a tan b, आ गया समझ में, ठीक है। अब दो क्वेश्चन खुद करो, शाबाश। पहला क्वेश्चन तो ये करो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या बुक में दिया हुआ है बताओ मुझे सब बच्चे, tan 15 की वैल्यू जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, 15 लाओ कहीं से भी। अब मैं आपकी फिर हेल्प करूं कि 15 बेटे आप क्या कर सकते हो, tan 45 माइनस 30, या क्या कर सकते हो, tan 60 माइनस 45, चॉइस आप करो, शाबाश जल्दी से। tan 45 माइनस 30 से करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा, नहीं 60 माइनस 45 से करो, tan 60 माइनस 40, क्योंकि tan 45 तो बन जाएगा। हाँ बताओ जी क्या आएगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1, अब आप चाहो तो इसे रैशनलाइज कर सकते हो, ऊपर आएगा रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर, थ्री प्लस वन माइनस टू रूट थ्री, और नीचे आएगा थ्री माइनस वन, तो ऊपर क्या आएगा, फोर माइनस टू रूट थ्री अपॉन टू, टू कॉमन ले लेंगे तो टू माइनस रूट थ्री आंसर होगा, आया समझ में, यस सर। बट ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और यही आपके यहाँ एग्जाम में आएंगे, यही आपके एंट्रेंस में आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे, सब बच्चे सोचो जरा, शाबाश। खुद से करेंगे, एक मिनट लेंगे सब बच्चे, शाबाश करो जल्दी से, जल्दी से फॉर्मूला, लेफ्ट साइड का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर सोचो टेन कैसे आएगा, जैसे अभी मैंने टेन लाया ना, टेन कैसे आया था, जस्ट डिवाइड करके, तो सोचो शाबाश, एक मिनट आप लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सर आरएचएस को कॉस से डिवाइड कर देंगे सर, करो जल्दी से, हो गया सर? हमारे पास क्या है बेटे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है साइन एक्स
cos y, प्लस है तो ऊपर cos x sin y आएगा, अपॉन नीचे आएगा sin x cos y माइनस cos x sin y, ये बचा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा हमने tan करना है, तो cos x cos y से डिवाइड, मैं यही लिख दे रहा हूँ cos x cos y से डिवाइड, cos x cos y से डिवाइड, cos x cos y से डिवाइड एंड cos x cos y से। तो जरा बताओ पहले वाले टर्म में क्या कटेगा, cos y, दूसरे टर्म में क्या कटेगा, cos x, तीसरे में क्या कटेगा, cos y, cos y क्या कटेगा, cos x, cos x, तो sin x upon cos x tan x, sin y upon cos y tan y, sin x upon cos x tan x and sin y upon cos y tan y, तो ये हमें शो करना, ठीक है। हाँ भाई सर सही है क्या? यस सर। जैसे जैसे आप फॉर्मूले को यूज करोगे ना, फॉर्मूला जहन में बैठेगा, अदरवाइज अगर आप ये सोचो तो पहले फॉर्मूले लर्न कर लें फिर करेंगे, मुश्किल हो जाएगी। चलो देखो एक क्वेश्चन और करो, शाबाश। इसी फॉर्मूले पे है, पिछले मैं पहले इसी के साथ करा, टेन के फॉर्मूले पे ही है और कई बार एग्जाम में अलग अलग स्कूलों में आ चुका है। सीधा टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल कुछ बगैर सोचे समझे। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि एक ही फॉर्मूले पे हमारा क्वेश्चन हो जाए। करो जरा, जी सब बच्चे देखिए प्लीज, हमारे पास क्या है, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है बस। tan pi by 4 plus x upon tan pi by 4 minus x, ये मत पास। तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, उसको ध्यान में रखना है और जब तक आपके फॉर्मूले याद ना हो जाएं तब तक एक शीट रखनी है अपने पास जिसपे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हों। टेन ए प्लस बी होता है बेटे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये बस प्लस है तो प्लस होता है और अगर माइनस है तो यहाँ माइनस और यहाँ, तो ये दोनों फॉर्मूले प्लस वाले भी और माइनस वाले भी यहाँ यूज होने, तो आप अप्लाई कर दो बस आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी अपॉन टेन ए, क्योंकि माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब क्या होना है, टेन पाई बाई फोर कितना होता है भाई, वन प्लस टेन एक्स, वन माइनस वन इंटू टेन एक्स, वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस वन इंटू टेन एक्स, ये हमारे पास। तो इसमें क्या हो जाएगा सीधा सीधा सर, अगर आप चेक करेंगे ये वन प्लस टेन एक्स यहाँ आएगा तो होल स्क्वायर, ये वन माइनस टेन एक्स यहाँ आएगा तो होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा सीधा सर, आपके पास आएगा वन प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस
tan x होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए एक तरह से, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? सीधा फॉर्मूला tan a प्लस b अपॉन tan a माइनस b, सिर्फ इतना सा देखिए। समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, आइए सर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सब एक पे ही बेस्ड हैं, सारे के सारे बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए। एक तो यहां ये सुन लीजिए, अभी हमने लिखा है टेन का फॉर्मूला, cot a प्लस बी, तो ये होता है cot b cot a माइनस वन अपॉन cot b प्लस cot a, नीचे प्लस होगा ऊपर माइनस होगा। अगर इसमें माइनस आ जाए तो फिर ये प्लस और ये माइनस। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, और बेटे ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में समझ में नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसा हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ थर्ड एक्सरसाइज, एंड ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 14, और ये दोनों क्वेश्चन बस इन्हीं फॉर्मूले पे, cot पे और tan पे। अगर cot वाला क्वेश्चन है तो cot के फॉर्मूले पे है, और tan वाला क्वेश्चन है तो tan के फॉर्मूले पे। तो पहले cot वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर tan वाला आप करना, क्योंकि cot में और कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं आएगा, यही आएगा बस cot a प्लस। हाँ भाई, हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ, आप मुझे सिर्फ इतना बता दो सब बच्चे मिलके जरा, कि ये है x, ये है 2x और ये है 3x, तो x 2x और 3x, या मैं कहूं एंगल, क्या इन एंगल में कोई रिलेशन हो सकता है? यस सर। क्या 3x is equal to 2x plus x? बहुत अच्छे, शाबाश। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, x plus 2x is equals to 3x। सब बच्चे बताओ लिख सकते हैं क्या भाई? यस सर। जो हम यहाँ कर रहे हैं वही हम दूसरे क्वेश्चन में करेंगे, या यहाँ cot के लिए कर रहे हैं वहाँ tan के लिए करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास क्या है, x plus 2x is equals to 3x, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कॉट में। तो अगर हम दोनों तरफ कॉट अप्लाई कर दें, सब बच्चे ध्यान से देखो, सो कॉट एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉट थ्री एक्स, यस और नो? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, अगर दोनों तरफ कॉट अप्लाई कर दिया तो? सर हो गया? हाँ जी, यस सर। हाँ ना बोलो ना, ऐसे डर डरते क्यों कर रहे हो आज? अब जरा सिर्फ अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 22 है। बताओ मुझे cot a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? cot a plus b का फॉर्मूला क्या है लिखा हुआ आपके सामने, बताओ? cot b cot a minus 1 upon cot b plus cot a। Very good, जरा ध्यान से देखो बेटे इसे, ये है हमारे पास cot x plus 2x, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो हमारे पास क्या होगा, cot b cot a minus 1, फॉर्मूला रखते ही आंसर आएगा सर, cot b प्लस कॉट ए,
इज इक्वल्स टू कॉट 3x, ये है जी सर। सर क्लियर है क्या? इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो सर यहां, और आंसर आ गया। बताओ भाई क्या आया मल्टीप्लाई करने से? cot 2x cot x माइनस वन। cot 2x को cot 3x से करोगे, स्क्वायर कहां से आ जाएगा बेटे? एंगल ही अलग अलग है। और cot x को cot 3x से करोगे, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है? हमें करना है कि माइनस वन को प्लस कर दो और इन दोनों टर्म्स को इधर लाओ तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? देखो पहला वाला टर्म क्या था हमारे पास, अब मैं थोड़ा सीक्वेंस से लिख रहा हूँ। पहला वाला टर्म था cot x एंड cot 2x, और ये इधर आया तो ये हो गया माइनस में cot 2x एंड cot 3x, और ये भी इधर आके माइनस हो गया माइनस cot 3x एंड cot x, और ये वन इधर जाके प्लस हो गया। बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या? हाँ जी, यस सर, आ गया। तो वो जो cot 2x plus cot x था उसे cot 3x भी तो कर सकते थे। इतनी अच्छी बात मत करो, मतलब अगर आप 10th पढ़ के इतनी अच्छी बात करोगे, cos 30 plus cos 60 आपके हिसाब से तो cos 90 हो जाएगा, यस और नो? हाँ जी, ये इस तरह से प्लस माइनस हो सकता है क्या? अरे बताओ ना सर, यस नो? तो फिर आप क्यों कह रहे हो जाएगा बेटे? जब एंगल अलग है तो उन्हें एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में आया क्या सबको? आया नहीं समझ में अभी भी? आओ सर देखो, दोबारा से कह रहा हूं, पेन कॉपी ले लो जरा सब बच्चे साथ में। टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टेन ए, सब बच्चे करेंगे खुद से, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला है। और सर ये क्वेश्चन आपको करना है, सब बच्चे प्लीज करो, शाबाश। आपको जो मैंने अभी समझाया था, कुछ नहीं सोचना क्योंकि ये कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, tan 3x tan 2x tan x, फॉर्मूला यही होगा ऊपर वाला। आपको सिर्फ ये सोचना है, अभी जो हमने किया था, क्या किया था भाई? 3x 2x और x, ये जो एंगल है क्या इनमें कोई रिलेशन है या नहीं, बस ये सोचना। और अगर रिलेशन है तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। सब बच्चे करो कोशिश, दौड़ना नहीं है सर, हम इसी तरह से इसी वजह से एक ही फॉर्मूले पे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कर रहे हैं। तो दौड़ मत लगाओ, जरा सॉल्व करो कि एक चीज पे कमांड हो जाए। बताओ भाई, आंसर आ गया? सर आंसर आया? यस सर।
हमारे पास क्या है, अगेन जो मैंने आपसे कहा बेटे कि भाई जो एंगल्स हैं उसमें क्या रिलेशन है, तो आपकी मर्जी, आपने कहा सर 3x is equals to 2x plus x, तो अब हमें 10 चाहिए, तो हम दोनों तरफ 10 ले लेंगे, तो 10 3x is equals to 10 2x plus x, तो 10 a plus b का फॉर्मूला, 10 a plus b का फॉर्मूला क्या होगा, 10 a 10 b upon 1 minus 10 a 10 b, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपका ये आ जाएगा, इतना सा आसान क्वेश्चन है। जरा मल्टीप्लाई करो, 10 3x को 1 से करो भाई, तो क्या होगा 10 3x, 10 3x को इससे करो, पहले 10 3x को 1 से क्या, फिर इससे करो, तो 10 3x 10 2x 10x, क्या बचा सर 10 2x plus 10x। अब क्या करो, जो माइनस वाला है उसको तो इधर ले आओ, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये दोनों प्लस में इधर इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो क्या नजर आएगा भाई, 10 3x minus 10 2x minus 10x is equals to 10 3x 10 2x 10x, yes or no, क्या चाहिए था हमें, देखो यही चाहिए था क्या, सर आ गया, यस सर। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, अगर आप ये फॉर्मूले आते हैं आपको, तो फिर कोई टेंशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक करने की, और इसी पे सीधे सीधे से आईआईटी के क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट बेस्ड ऑन दिस। बताओ साइन ए प्लस बी क्या होता है, जल्दी बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस साइन बी, वेरी गुड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सिर्फ माइनस हो जाएगा, चेंज, यस, शाबाश। अब कोई दूसरा बच्चा बताए कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, शाबाश, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन ए साइन बी, बहुत अच्छे, तो अगर माइनस होगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, शाबाश। अब कोई एक बच्चा बताओ जरा 10 का, 10 ए प्लस बी, कोई दूसरा बच्चा बताए इन दोनों के अलावा, 10 ए प्लस बी, इतना नहीं डरना है, ऊपर तो 10 ही आना है, 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए माइनस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इनटू 10 बी, पर प्लस आना है बेटे, यस सर, अगर यहाँ माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। चलो कॉट का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएं, कॉट ए प्लस बी, इसी 10 को ही देख लो, देखो एक्चुअली क्या है, 10 का रेसिप्रोकल ही है, अगर मैं इधर रेसिप्रोकल कर दूं, ये कहीं और से नहीं आया, ये 10 है, तो 10 को हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए प्लस बी, तो इधर भी 10 को 1 अपॉन कॉट लिख दो, 10 बी को भी 1 अपॉन कॉट लिख दो, 1 माइनस 10 को भी 1 अपॉन कॉट लिख दो, इसको भी 1 अपॉन कॉट, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है रेसिप्रोकल में, यहां से स्टार्ट करो, ये 10 बी की जगह कॉट बी, कॉट बी, फिर 10 ए की जगह कॉट ए, यहां से स्टार्ट रखो बस, कॉट ए, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 ही आएगा, अपॉन, फिर इधर से ही रखो बेटे, इधर से कॉट बी और प्लस कॉट, कुछ समझ में आया या नहीं आया,
cot b cot a minus 1 cot b plus just reverse tan का just reverse है cot और फिर उसी तरह से अगर यहाँ minus है तो ये minus ये plus तो ये basically हमारे पास 8 formulas हो गए 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 and 8 सारे फॉर्मूलाज अब इन्हीं से आने आओ जी अब जरा हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ए मेरे लेकिन होंगे फॉर्मूले से ही फॉर्मूले अगर आते हैं तभी आगे बात बने सब बच्चे जरा ध्यान से देखो बस मैं एक क्वेश्चन करा के छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल आज के लिए सब बच्चे जरा प्लीज ध्यान से आपके पास क्या है साइन ए प्लस बी अभी हमने बताया था क्या होता है तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ये हमारा वन है और ये हमारा टू है सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए अगर इनको प्लस कर देते हैं तो एक नया फॉर्मूला बनेगा अगर इन्हें प्लस कर देते हैं तो जब आप प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड तो लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस लेकिन प्लस करने से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी यस और नो हाँ भाई वन टू को प्लस करेंगे yes, sir. तो साइन ए कॉस बी कितनी बार आएगा साइन ए कॉस बी कितनी बार आएगा दो बार आ जाएगा तो टू साइन ए कॉस बी आ जाएगा नहीं आ जाएगा yes. अब जरा सब बच्चे सोचो अगर मैं वन माइनस टू करूं तो ये बेटे माइनस होगा लेकिन ये प्लस होगा तो तब क्या लिखा जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी ये हमारे पास अब जरा देखो इनको भी ये अलग से फॉर्मूले हैं लेकिन बस याद लॉजिकली रखना है क्या याद रखना है अगर साइन को प्लस कर रहे हैं तो पहला साइन आएगा दूसरा कॉस आएगा और अगर साइन को माइनस कर रहे हैं तो पहला कॉस आएगा दूसरा साइन आएगा प्लस में फर्स्ट साइन देन कॉस माइनस में फर्स्ट कॉस देन साइन तो ये हमारे पास सब बच्चे जरा ध्यान से बस आज के लिए इतना ही इसी तरह से हम कॉस को भी प्लस करके कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है फॉर्मूले आते हैं तो सब आते हैं बताओ ये सब बच्चे मुझे जरा सारे बच्चे मुझे ये बताओ साइन एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस टू एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स अच्छा ये तो कॉस का है सॉरी ये कॉस का क्या चलो मैं बता ही देता हूं कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी एंड कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो इसे हम थर्ड फॉर्मूला कहते हैं सिर्फ फोर्थ तो अगर थ्री प्लस फोर करोगे सब बच्चे देख लो तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी तो क्या होगा ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा ट्वाइस कॉस ए कॉस बी अगर कॉस को प्लस करोगे तो दोनों कॉस आएंगे और अगर कॉस को माइनस करोगे तो दोनों टर्म साइन आएंगे साइन एंगल लेकिन माइनस में आप ऊपर देखो जरा ध्यान से अगर हमने इनको माइनस किया तो इस बार ये वाले टर्म्स कटेंगे और साइन ए साइन बी माइनस में और ये साइन ए साइन बी भी माइनस का हो गया तो टू साइन ए साइन बी आएगा तो कॉस को प्लस करेंगे दोनों कॉस को माइनस करेंगे दोनों साइन लेकिन साइन में अब जरा ऊपर का क्वेश्चन देखो एक लाइन का क्वेश्चन
हमारे पास क्या है साइन एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस टू एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस टू एक्स. ये तो आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ क्या दोनों पहले वाले साइन है yes, sir. और बाद वाले दोनों कॉस है yes, sir. ठीक है अब जरा आप सोच के देखो कि अगर मैं एन प्लस वन एक्स को ए कह दूं और एन प्लस टू एक्स को मैं बी कह दूं तो एन प्लस वन एक्स मेरा ए हो गया और एन प्लस टू एक्स मेरा बी हो गया तो ये फॉर्मूला कैसे बना सब बच्चे जरा ध्यान से साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी यस सर नो यस सर तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी ठीक है क्या होता है ये तो सीधा सीधा सा बताओ ना साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है ये तो सिंपल फॉर्मूला है दोनों कॉस है दोनों साइन है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आदो साइन कॉस ए माइनस बी बेटे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इस बार साइन पहले लिखा हुआ इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो अगर दोनों कॉस हैं दोनों साइन है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है या नहीं है यस सर तो फिर यस सर तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस एन प्लस वन एक्स माइनस एन प्लस टू एक्स ये आना था तो अगर एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कॉस एन प्लस वन माइनस एन माइनस टू एक्स तो एन से एन क्वेश्चन तो वन माइनस टू माइनस एक्स बताओ कॉस माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा क्यों क्वाड्रेंट कौन सा है द कॉस थीटा क्वाड्रेंट फोर्थ है बेटे पॉजिटिव आएगा तो ये हमें करना था तो आप सब बच्चे क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले तो फॉर्मूलाज याद करें और फर्स्ट टेन क्वेश्चन कर लें तो बहुत है वैसे तो मैंने दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करा दिए लेकिन सिर्फ फर्स्ट टेन क्वेश्चन ऑफ थर्ड एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3 कोशिश कर लेंगे यस सर ठीक है जी तो नमाज पढ़ लें माशाल्लाह से और ये तो मैं पीडीएफ भेज ही रहा हूँ कल वाली क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा क्यों कल तो भेजा था डाल दिया था मैंने यूट्यूब पे देखते नहीं आप लोग आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ क्या सर किया हुआ है सर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन भी प्रेस कर दिया तो फिर आपको वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आता सारे चैनल होते हैं ना पता चलता है नोटिफिकेशन के सारे आते हैं माशाल्लाह नहीं तो क्लास का तो देख ही लिया करो फौरन अपलोड कर देता हूं है ना चलो yes, डाल दूंगा इसमें डाल दूंगा ऑल द बेस्ट नमाज पढ़ लो अल्लाह हाफिज़ सर जी सलाम